हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। मैं हूँ विशु। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में मलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवर टूल क्या है और इसको हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट के ही द्वारा, इसलिए आप इस पर आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसको ओपन करने के लिए हमें विंडो की के साथ आर बटन प्रेस करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपका रन कमांड जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या टाइप करना है वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमें टाइप करना है MRT, ठीक है, MRT टाइप करना है। उसके बाद यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी आप देखेंगे कि आपके सामने छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मलेशियस सॉफ्टवेयर रिमूवर टूल, ठीक है, स्पॉन्सर्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट, मतलब वेरीफाइड पब्लिशर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही है। तो यहाँ से आप यस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब थोड़ी देर में आपके सामने यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये विंडो ओपन हो गया है यहाँ पे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये नेक्स्ट है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फिर से अब यहाँ पर आप तीन चीज दिखा रहा है, क्विक स्कैन चाहते हैं, फुल स्कैन चाहते हैं, कस्टमाइज स्कैन चाहते हैं। मतलब कि आप चाहते हैं जब इसे स्कैन करते हैं तो ये वाला है, आप चाहते हैं कि पूरे इंटायर सिस्टम को आपके स्कैन करें तो फुल स्कैन लीजिए, और अगर किसी खास फाइल के फोल्डर को करना चाहते हैं तो कस्टमाइज स्कैन आप ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ से आप चूज फोल्डर कर सकते हैं अगर आप थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो हम क्विक स्कैन ही कर लेते हैं, तो हमने इस क्विक स्कैन को सेलेक्ट करने दिया। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए, स्कैनिंग शुरू हो गई है। अगर कुछ भी मलिशियस सॉफ्टवेयर बने तो ये आपको बता देगा और साथ में शो भी कर देगा। ठीक है,